आपकी काफी रिक्वेस्ट आने पे इसे मैंने यूज भी किया बट समहाउ आपके साथ मैं अपना रिव्यू नहीं शेयर कर पाई। ये जो प्रोडक्ट है स्पेशली फॉर्मुलेट किया गया है एक्ने प्रोन ऑयली स्किन के लिए, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से सूटेबल है क्योंकि मेरी स्किन पर्सनली ऑयली एक्ने प्रोन सेंसिटिव है। ये जो प्रोडक्ट है इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत ही अमेजिंग है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे बहुत ही जेंटल स्किन क्लेंजर मिल रहे हैं, उसके साथ साथ इसमें सैलिसिलिक एसिड है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डाला गया है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, लैक्टिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, कैस्टर ऑयल है, टी ट्री ऑयल है। तो ओवरऑल इसकी अगर आप कंपोजिशन देखेंगे तो बहुत ही अमेजिंग है। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, टी ट्री आप सभी को पता है एक्ने प्रोन स्किन के लिए सूदिंग और कामिंग इफेक्ट देता है और एक्ने को ट्रीट करने में भी आपकी हेल्प करता है। 2% सैलिसिलिक एसिड है और 2% से ज्यादा इसमें एलोवेरा एक्स्ट्रा डाला गया है क्योंकि इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में एलोवेरा एक्स्ट्रा सैलिसिलिक एसिड से ऊपर है। एलोवेरा एक्स्ट्रैक्ट भी एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, उसके साथ साथ जेंटली आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करके अगर आपको डार्क स्पॉट्स वगैरह की प्रॉब्लम है उन्हें फेड आउट करने में आपकी हेल्प करता है। तो ओवरऑल इसकी कंपोजिशन काफी सही है, इसमें किसी भी टाइप की कोई फ्रेग्रेंस नहीं यूज की गई है। ये जो प्रोडक्ट आपको जेल टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी में मिलता है, जैसे कोई भी जेल बेस्ड फेस वॉश काम करता है बिल्कुल उसी तरीके से ये भी काम करता है। बहुत ज्यादा लैदर अप नहीं होता लेकिन बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लीन कर देता है। मैं पर्सनली इस फेस वॉश को पहले क्लेंजिंग मिल्क से अपना फेस क्लीन करने के बाद यूज करती हूँ। मैं इसे तभी यूज करती हूँ जब वाकई में मेरी स्किन पे कोई एक्टिव एक्ने हो। ये जो फेस वॉश है काम अच्छे से करता है लेकिन थोड़ा सा आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है। तो अगर आपकी स्किन भी मेरी तरह सेंसिटिव है तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करूंगी कि 2% सैलिसिलिक एसिड जिसमें आपको टी ट्री भी मिल रहा हो, ग्लाइकोलिक एसिड भी मिल रहा हो, उस टाइप के जो फेस वॉशेस होते हैं वो आप डेली बेसिस पे यूज ना करें। और ये जो फेस वॉश है ये मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको एक्ने की वाकई में ही प्रॉब्लम है तभी लें, क्योंकि इसकी जो कंपोजिशन है वो काफी ज्यादा एडवांस है और काफी ज्यादा जो कॉन्सेंट्रेशन है एक्टिव इंग्रेडिएंट की वो हाई है। इसका एक बहुत ही अच्छा सा ऑल्टरनेटिव अभी मार्केट में अवेलेबल है, वो है द डर्माकोका सैलिसिनामाइड फेस वॉश। वो फेस वॉश है जिसमें आपको सारे के सारे एक्टिव की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी कम मिलती है और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है ना तब भी आप उस फेस वॉश को दिन में एक बार डेली बेसिस पे यूज कर सकते हैं। उसे भी आपको 2 या 3 बार यूज नहीं करना है, सिर्फ 1 बार यूज कीजिए। इसे यूज करने के बाद किसी भी टाइप का मुझे ब्रेकआउट फेस नहीं करना पड़ा, लेकिन हाँ फेस वॉश करने के बाद अगर आप अपने चेहरे पे कुछ नहीं लगाएंगे 1-2 मिनट तक तो एक हल्का सा ड्राइनेस आप ऑब्जर्व कर पाएंगे इस फेस वॉश के बाद। एज सच जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने इसे डेली बेसिस पे यूज नहीं किया, लेकिन जैसे भी मैंने इसे यूज किया उससे मुझे किसी भी टाइप का स्किन इशू फेस नहीं करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है इसे मैं पूरा फिनिश नहीं कर पाई इसी वजह से क्योंकि इसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन में एक्टिव डाले गए हैं और मेरी स्किन इरिटेट होने लगती है अगर मैं डेली बेसिस पे इतनी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला फेस वॉश यूज करूँ तो, क्योंकि मैंने कई सारे 2% सैलिसिलिक एसिड वाले फेस वॉश पास्ट में यूज किए हैं। तो अगर आपने इसे यूज किया हो तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो गाइस मुझे उम्मीद है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी बाय बाय।